गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद अ न्यू टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वी कैन डिस्कस बिफोर व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द डेली लाइफ यूज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको टॉपिक वाइज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट सम लेक्चर्स दिस टॉपिक्स। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट इफ यू प्रिपेयर द गेट एग्जाम बीटेक बीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो सी माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑफ दिस वीडियो। Let's we start this topic, Laplace transform. We can explain first definition. Let ft be the function of defined for all positive value of t. Let ft be the function defined for all positive value of t, then fs equal to 0 to infinity e to power minus st ft dt, provided the exist integral is called the Laplace transform of ft, it is denoted by Laplace. L is the symbol of Laplace transform. Laplace ft, ft is the any function of defined in Laplace transform. Laplace of ft equal to fs, Laplace of ft represented by the fs 0 to infinity e to power minus st ft dt. Generally we can say that Laplace transform, it means transform. Transform kya hai aapka? First state se second state mein kisi ko convert karna. We can say that jaise generally ki hamare paas 2 lakh rupiya hai, hum kya karte hain ki hum us 2 lakh rupaye ko bank mein deposit karte hain, aur deposit karte hain after sometimes कहीं दूसरी जगह जाके अदर प्लेस पे हम उसको विड्रॉ करेंगे। दिस इज अ ट्रांसफॉर्म, इट मीन्स मनी ऑफ अवर मनी इज कन्वर्ट इन डिजिटल, आफ्टर देन वी गेट इन अदर प्लेस विड्रॉल दिस मनी इन हार्ड। ठीक, जनरली हमने पैसा जमा किया, पैसा जमा करने के बाद अदर स्पेस पे अदर जगह पे जाके हमने पैसे को निकाला, इट मीन्स हम जमा करना जानते हैं तो हम निकालना भी जाने, तो यही आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीन एफ टी को हम कन्वर्ट करेंगे एफ एस में, इट मीन्स टी इज कन्वर्ट बाई एस, दिस इज द ट्रांसफॉर्म। एंड इसका सेकेंड फॉर्म हुआ लाप्लास इनवर्स, इनवर्स को हम बाद में देखेंगे कंप्लीट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन समझ आया होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी एफ एस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी एंड डी टी। We can convert all portion in the form of this e to power st is standard value between the limit 0 to infinity, change the function only ft, we put the value of function in place of this, then we integrate of this between the limit, given the limit of questions. Theek, understand? Again some important formula, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पहले डिस्कस करेंगे। देखिए लाप्लास ऑफ वन इक्वल टू वन बाई एस, लाप्लास ऑफ वन इक्वल टू वन बाई एस, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन गामा ऑफ एन प्लस वन एस की पावर एन प्लस वन और फैक्टोरियल ऑफ एन एस की पावर एन प्लस वन व्हेन वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री अप टू एन, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी वन अपॉन एस माइनस ए, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन ए टी मीन्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी
s upon s square minus a square and cos hyperbolic of t s upon s square minus a square. तो फॉर्मूला देखिए, अब हम प्रूफ करेंगे कि we are get the value of Laplace 1 equal to 1 by s y. ठीक, नंबर फर्स्ट, Laplace of 1 equal to 1 by of s. We know that by the definition of Laplace transform, Laplace of f t equal to 0 to infinity e की power minus f t and f t dt. Laplace of 1, it means f t function we are given in one function. हमारे पास क्या given है? f t equal to 1. Putting the value of f t in this definitions. Laplace of 1, 0 to infinity e की power minus s t, f t के place पे in place of this value is 1 and dt. Integrate of this function e की power minus s t divide by minus f between the limit 0 to infinity. Applying limit e की power minus infinity upon minus s minus, it means a minus plus e की power infinity upon of e की power 0 upon this. E की power minus infinity will be 0 upon s plus ये 1 upon s, it means 1 by of s. We know that e की power minus infinity equal to 0. समझ आ गया, सिंपल सा था आपका. f t equal to 1 पुट करने के बाद आपका इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस फंक्शन, वी गेट द वैल्यू ऑफ लाप्लास 1 equal to 1 by s. ठीक, नेक्स्ट नोट दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो. सेकेंड, लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1 और फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन s की पावर n प्लस 1. सिमिलरली देखिए सॉल्यूशन प्रूफ, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ f t equal to 0 to infinity e की power minus s t और f t and t t. देखिए Laplace of f t means f t equal to t की power n, f t function given in t की power n. Putting the value of f t in definition of this, इस definition में f t की value को put करिए, Laplace of t की power n 0 to infinity e की power minus s t and t की power n and dt. Now let s t equal to x, s t equal to x, then t equal to x y s and dt equal to dx over x. Putting these value in this definitions. ठीक, देखिए वैल्यू को पुट करेंगे डेफिनेशंस में, तो इस डेफिनेशंस को मैं रफ करता हूं, आप यहां से करेंगे इसको. ठीक, अब लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st, st के प्लेस पे माइनस ऑफ x, वैल्यू ऑफ t, t इक्वल टू x अपॉन s, x upon s power of n, value of dt, dt equal to dx upon of x. देखिए x की power n, s की power n और power of 1, it means 1 upon s की power n plus 1, 0 to infinity e की power minus x, x की power n and dx Laplace of t की power n. We know that by the definition of gamma function, gamma function की definitions क्या है?
जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस डी एक्स इन गामा ऑफ एन। वी नो दैट, हम जानते बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा एन। देखिए कंपेयर करिए ई की पावर माइनस एक्स एज इट एक्स की पावर एन माइनस व्हाट एक्स की पावर ओनली एन। वी कैन मेक दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ दिस। देखिए कैसे इस फॉर्म में मेक करते हैं हम इस टर्म। लाप्लास ऑफ टी की पावर एन वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स। देखिए एक्स की पावर एन प्लस वन, वन प्लस करिए आप एन प्लस वन एंड माइनस वन और आपका डी एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। इट मीन्स ये देखिए x की पावर n माइनस वन वैल्यू ऑफ दिस इन गामा तो n प्लस वन तो फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू वन अपॉन n प्लस वन वैल्यू ऑफ दिस गामा n प्लस वन एंड गामा n प्लस वन अपॉन s की पावर n प्लस वन। एंड सेकेंड फॉर्म वी नो दैट कि गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n imply that इसको ऐसे भी लिख सकते हैं factorial n upon s की पावर n plus 1। ठीक समझ में आ गया आपका। तो इस भी आपका वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए क्वेश्चन को, नोट करने के बाद कॉपी पे करेंगे उसके बाद और ज्यादा आपकी समझ आएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस ए। फिर सेम कंडीशन बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डी टी। देखिए एफ टी के प्लेस पर ए की पावर ए टी जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी और ए की पावर ए टी एंड डी टी। देखिए सॉर्ट आउट करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस बाहर एस माइनस ए इन टी ऑफ डी टी। इंटीग्रेट ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन करिए क्योंकि सिंपल फंक्शन एक सिंगल फंक्शन आ गया ए की पावर माइनस एस माइनस ए इन टू टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी की टी एस माइनस ए तो माइनस का एस माइनस ए बिटवीन द लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट ए की पावर ए टी वैल्यू चल रहा है ए की पावर देखिए इन्फिनिटी प्लेस करें टी ए की प्लेस पे तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस ए फिर ये प्लस साइन होगा ई की पावर जीरो अपॉन एस माइनस ऑफ ए। इट मीन्स वैल्यू ऑफ दिस विल बी जीरो दिस वन वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक समझ आ गया होगा आपका फॉर्मूला। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है साइन एटी कॉस एटी साइन हाइपरबोलिक एटी सारे फॉर्मूले इसी टाइप से आप ड्राइव करेंगे। अब देखिए इस पर डिपेंडेंट मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। क्वेश्चंस आप लोग देखिए समझ आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें मैं सारे आपकी प्रॉब्लम। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन है आपका फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। फंक्शन हमारे पास गिवन है कि एफ टी इक्वल टू वन और जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू वन एन टी, ये टी आ जाएगा वन लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू टू और टी स्क्वायर टू लेस देन टी लेस देन इक्वल टू इनफिनिटी। क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म दिया हुआ है आपका फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ऑफ दिस। इट मींस एफ टी फंक्शन इज ग्रुप ऑफ थ्री सब फंक्शन बिटवीन द लिमिट वन जीरो टू वन टी वन टू टू एंड टी स्क्वायर। इट मींस टी
स्क्वायर टू से इंफिनिटी एफ टी फंक्शन ब्रेक हो रहा है आपका थ्री सब फंक्शन में और थ्री फंक्शन में ब्रेक हो रहा है तो हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। देखिए वाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी डीटी, ठीक है ना। अब आप देखिए फंक्शन ब्रेक हो रहा है हमारे पास एफ टी फंक्शन ब्रेक हो रहा है थ्री सब फंक्शन में और लिमिट प्रत्येक फंक्शन के लिए अलग अलग है, लिमिट ऑफ ईच फंक्शन इन डिफरेंट। सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस जीरो टू, देखिए पहले e की पावर माइनस एस टी एफ टी फंक्शन ऑफ एफ टी इज वन, इट मीन्स वन पुट करिए और वन के लिए लिमिट क्या है जीरो टू वन, अब जीरो टू वन लिमिट लगाइए एन डी टी प्लस, फिर अभी लिमिट आप नहीं लिखेंगे e की पावर माइनस एस टी फंक्शन टी लिमिट टी के लिए वन टू टू प्लस फंक्शन ऑफ e की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस एस टी फंक्शन एट टी स्क्वायर लिमिट टी स्क्वायर के लिए क्या है टू टू इंफिनिटी एंड we integrate this function between the limit of 0 to 1 this function 1 to 2 and this function 2 to infinity of this function, ठीक। देखिए अब आपका product of two function we integrate in the easily in the form of this, देखिए formula में आपको बता रहा हूँ Fourier अगर series आपने पढ़ा है if you read the study the Fourier series then see the formula of this topic, देखिए u and v u equal to u is the function of when differentiation of this function after time sometimes will be zero and v other function we integrate, देखिए u u and v1 minus u dash and v2 plus u double dash and v3 minus and so on, it means देखिए v1 integration of v into dx, ये फॉर्मूला है सिंपल, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट हो तब इंटीग्रेट करना हो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप अप्लाई करिए सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए एंड u डैश इक्वल टू d ओवर dx ऑफ u सॉरी u u डबल डैश डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश, ठीक ऐसे एंड सो ऑन आप करते चलिए। तो देखिए ये तो सिंगल फंक्शन है e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस ऑफ एस बिटवीन जीरो टू वन प्लस, देखिए इस फंक्शन को अब आपका e की पावर माइनस एस टी एंड टी, अब दो फंक्शन है आपका, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आफ्टर सम टाइम्स विल बी जीरो, कौन से का हो जाएगा आपका केवल t का, क्योंकि e की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा क्योंकि e की पावर माइनस एस टी या e की पावर ए एक्स e की पावर एक्स ही अल्टरनेट साइन आता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए u दिस फंक्शन इसके अकॉर्डिंग एंड u एंड v t एज इट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ s साइन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u t का डिफरेंशिएशन वन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e की पावर माइनस एस टी और माइनस s का होल स्क्वायर आगे प्लस का साइन, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ वन वन का डिफरेंशिएशन जीरो, इट मीन्स दिस टर्म विल बी जीरो, ये टर्म जीरो होगा तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ये यहीं स्टॉप हो जाएगा लिमिट वन टू टू प्लस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, देखिए ये u एंड ये v, अब समझ आ गया होगा u इसका डिफरेंशिएशन, देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एक्स माइनस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू टी और इंटीग्रेशन माइनस एस टी और डिवाइड बाई माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, देखो 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर माइनस एस टी माइनस एस का होल क्यूब ऑफ दिस और लिमिट हमारे पास 2 से लेके, ठीक इंटीग्रेशन हो गया आपका वेरी सिंपल है ये आपका, इस फॉर्म से आप इंटीग्रेट इसे करें अप्लाइंग लिमिट e की पावर देखिए 1 माइनस एस अपॉन माइनस एस माइनस ये प्लस हो जाएगा जीरो e की पावर जीरो अपॉन s प्लस आगे चलिए टू टू e की पावर माइनस टू एस अपॉन माइनस ऑफ s, फिर देखिए
माइनस का स्क्वायर प्लस ऑलरेडी, तो साइन इज माइनस e की पावर माइनस टू एस अपॉन ऑफ एस स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाए। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा आधा रह गया था, वीडियो बंद हो गया था मोबाइल, तो यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए आपका अपर लिमिट अप्लाई कर दी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस साइन प्लस, इट मीन्स टी की वैल्यू वन ई की पावर माइनस एस अपॉन ऑफ एस, अगेन माइनस एस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस, एंड दिस प्लस ई की पावर माइनस एस अपॉन ऑफ एस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस ऑफ दिस अप्लाई लिमिट। देखिए इन्फिनिटी मल्टी आपका लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो आपका इन्फिनिटी के प्लेस पे ये क्या होगा आपका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इट मीन्स जीरो। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट, फिर माइनस जीरो, एंड नेक्स्ट क्या बचता है आपका यहाँ पे वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी जीरो। अप्लाइंग टू, टू अप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस इट मीन्स प्लस टू का स्क्वायर फोर ई की पावर माइनस टू एस अपॉन एस, फिर माइनस माइनस प्लस फोर और ई की पावर माइनस टू एस अपॉन ये आपका एस स्क्वायर, एंड माइनस ये फिर प्लस, तो 2e की पावर माइनस 2s अपॉन ऑफ s। ठीक, सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एंड वैल्यू ऑफ दिस, देखिए e की पावर माइनस s अपॉन माइनस s 0 1 बाई s, एंड नेक्स्ट माइनस 2e की पावर माइनस 2s अपॉन s माइनस e की पावर माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर, एंड प्लस e की पावर माइनस एस अपॉन एस, और प्लस e की पावर माइनस एस अपॉन ऑफ एस स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट ऐसी वैल्यू आ जाएगा आपका प्लस फोर e की पावर माइनस एस अपॉन एस, प्लस फोर e की पावर ये आपका 2s है, e की पावर 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 e की पावर माइनस 2s अपॉन ऑफ s। ठीक है ना, इससे ज्यादा शॉर्ट आउट या फिर यहीं पे छोड़ देंगे इसे, या तो ऐसा कर लीजिए आपका देखिए s s और s वाले टर्म एक साथ लेके s कॉमन लेंगे हम, तो 1 बाई s बाहर, देखिए e की पावर माइनस एस माइनस का प्लस वन, इट मीन्स इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखिए वन माइनस e की पावर माइनस एस, एस वाला टर्म एस 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 और एस वाला, तो वैल्यू ऑफ टू e की पावर माइनस टू एक्स एंड प्लस e की पावर माइनस एस और आपका प्लस फोर e की पावर माइनस टू एस प्लस करके s स्क्वायर वाले टर्म दिस दिस एंड दिस, तो 1 बाय ऑफ s स्क्वायर e की पावर माइनस 2s लेकिन वैल्यू इज माइनस, एंड प्लस 4 e की पावर माइनस 2s और आपका प्लस e की पावर माइनस s, एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस e की पावर माइनस 2s अपॉन ऑफ वैल्यू ऑफ दिस कैंसिल आउट ऑफ दिस। ठीक ना, ये आपका 2 e की पावर माइनस 2s और ये दोनों प्लस होंगे, इसमें से इसको माइनस करिए आप, तो ये आपका 1 बाई s 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 2s। आगे सॉर्ट आउट होगा कुछ आपका, देखिए 4 में से ये माइनस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, तो आपका 3 e की पावर माइनस 2s प्लस e की पावर माइनस ऑफ s प्लस
2e की पावर माइनस 2s अपॉन ऑफ s क्यूब, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। देखिए इस पर डिपेंडेंट मैंने क्वेश्चंस कराए आपका, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपका कि इस पे इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे और कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो आपका कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, वी कैन डिस्कस एंड आफ्टर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डू आई डू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।